भाई मैं हूँ विपुल और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो भाई जैसे कि आप इस शख्स को तो जानते ही हैं, वैसे ज़्यादा जानते भी नहीं होंगे कौन है ही कौन ये। तो मेरे भाई ने एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न लिया था कुछ दिन पहले, जो आजकल ये बहुत ही उस डिसीज़न से खुश नहीं है। तो इसने अपना 2.25 लाख कब तुझसे पूछे हैं, इसने इन्वेस्टमेंट करके एक स्टो सामान लिया था, एक प्रोडक्ट लिया था। तो आज भाई से देखे पूरा तंग है, पूरा जो है फ्रस्ट्रेट हो चुका है खुद से भी। और तो आज इससे पूरा एक एक्सपीरियंस लेंगे कि क्यों इसने ये डिसीजन लिया और क्या क्या प्रोमोशन कौन सा और क्या ये खुश है नहीं है। तो भाई इसने जो है बिल्कुल 100-350 का टॉप एंड वेरिएंट ले रखा है। तो फिलहाल भाई से आज खुल के बात करेंगे। तो आपको इसे लगभग कितना चला चुके हैं आप? मैं इसे लगभग 4000 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कौन सा वेरियंट है और कितने की पड़ी आपको, ये सब इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो इसको कुछ एसेसरीज भी ली थी? एसेसरीज में इसका लेग गार्ड और नीचे इंजन गार्ड लिया था। 2,12,000 का? हाँ। तो ये गाड़ी आपने फुल कैश ली थी या वो क्या कराया था? फुल कैश। फुल कैश, ठीक है। तो आप हमें बताने जिसका जिसका बजट, अगर कोई बंदा जिसका बजट 2.5 लाख रुपए हो तो वो किस बाइक पे जाना चाहिए? जैसे कि हंटर खरीद दी तो रॉयल एनफील्ड पे जाना चाहिए या कुछ और भी सोच सकता है? कुछ नहीं है कि तुम्हें शो कर रॉयल एनफील्ड लेने का, तो फिर मैं तो सजेस्ट करूँगा कोई और से ब्रांड पे जाए, इसका ना जाए। तो भाई अपने कितने कितनी चला लिया ये? 4000 किलोमीटर लगभग। लगभग 4155। तो 4000 के अकॉर्डिंग आप क्या एक्सपीरियंस दे सकते हैं, क्या कुछ आपको प्रोन्स एंड कौन से लगे हैं, कितना आप सेटिस्फाइड हैं, क्या कुछ कमियां हैं, क्या है बिल्कुल ऑनेस्ट? जैसे कि एक तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसे लेके अपना एवरेज अच्छा निकाल पाओगे तो नहीं निकलेगा। कितना एवरेज दे रही है ये? तो मेरा हाईवे पे 35 तक का आता है, सिटी में तो 25-30 बस। हाँ बस मैं थोड़ा भगा के चलाता हूँ तो वो ध्यान रखें, बाकी आपके ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। और बाकी इसमें से पता नहीं क्यों मुझे जब भी मैं चलाता हूँ कुछ आवाज़ आती है, वैसे कोई पेच ढीला हो, पर मैं ना पूरी चेक कर। पेच तो वैसे आपका भी ढीला है, चलो खैर बाद में करेंगे। पेच की कुछ आवाज़ आती है पर आज तक पता नहीं चला है वो आवाज़ आ कहाँ से रही है मुझे। तो मतलब आप एक तरीके से रॉयल एनफील्ड की जो हंटर है उसकी रिलायबिलिटी पे थोड़ा शक उठा रहे हैं कि इसकी फिटिंग रिलायबल अच्छी है, बस थोड़ी आवाज़ ज़्यादा करती है। ठीक है, और कुछ इसमें इसे लेकर ऑफ रोडिंग भी कर चुका हूँ अच्छे वाली। ओके, और बिल्कुल रिलायबल बिल्कुल है, बस तेल बहुत ज़्यादा लेती है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाती है। और सोकर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसके सस्पेंशन? सस्पेंशन इसके आगे वाले बढ़िया है पर क्लियरेंस सस्पेंशन अच्छे नहीं है, तो अगर आप किसी को बैठा के ले जाने का सोच रहे हो तो नो। तो ये कितने टैंक, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी क्या है? इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर। 13 लीटर? तो आप हमेशा टॉप अप ही लगवाते हैं? ओके, तो और कुछ बताइए इसके बारे में, मतलब आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे और इसकी जो अच्छी बात जो आपको लगी हो कि हाँ यार ये चीज़ इसमें अच्छी है, इसकी लुक ही या इसमें कुछ इसकी आवाज़ या इसकी मतलब कुछ आवाज़। एक चीज़ मैं नोटिस करी है, पता नहीं ये डिफेक्ट है ये क्या है, जो मेरी बाइक है इसकी साइलेंसर की आवाज़ बाकी जो मैंने हंटर देखी है उससे बहुत अलग है। नहीं भाई मैंने भी तो कई हंटर की आवाज़ सुनी है, मुझे तो सिमिलर लगी है। जब तुम थोड़ा हाई आरपीएम में चलाओगे तब पता चलेगा, ये आवाज़ ज़्यादा करती है बाकी हंटर के मुकाबले। तो ये आवाज़ पहले से ही है या बाद में हुई है? ये मेरी फर्स्ट सर्विस के बाद में हुई है, पता नहीं क्यों, फर्स्ट सर्विस के बाद से मैंने नोटिस किया है कि इसकी आवाज़ ज़्यादा हो गई है। क्यों, ऐसा क्यों? एक बार आवाज़ सुनाएंगे हमारे इसको, चलिए इसकी आवाज़ सुनाते हैं एक बार। वाला तो भी आवाज़ ही सुनेगा, अभी नहीं पता चलेगा वो। ओके ठीक है, तो इसके मीटर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं हमें? इसके मीटर में आपको बेसिक एक फ्यूल दिख जाएगा जो कि बिल्कुल एक्यूरेट रिलायबल नहीं है। तो ये डिजिटल आपको एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता? नहीं देता भाई, ये प्रॉब्लम डिजिटल वालों के साथ बहुत आती है। मेरी गाड़ी में भी डिजिटल है, आप गाड़ी में भी ले सकते हैं डिजिटल का। ये कई बार अगर हम टेढ़ा लगाते हैं तो रिफ्रेश बहुत अपडेटिंग बिल्कुल नहीं देता। तो मेरे हिसाब से अगर जो फ्यूल कैपेसिटी है वो एनालॉग ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ब्रेकिंग कैसी कहेंगे आप इसकी? ब्रेकिंग इसकी अच्छी है, आगे वाले एकदम परफेक्ट है, पीछे वाले थोड़े कम लगते हैं। मैंने सर्विस सेंटर वालों से पूछा था ऐसा क्यों, उन्होंने कहा वो थोड़ा कम ही करके रखते हैं, ज़्यादा टाइट रखते नहीं हैं, वो कम ही रखते हैं, उन्होंने जानते लगेंगे भी नहीं।
तो आज के तारीख में आप ये बताइए, जैसे कि आपने इसे चला ली है, तो आप क्या बोलते हैं कि आप कुछ और डिसीजन भी ले सकते थे, या आप थोड़ा फुल, जैसे एक होता है ना ओनर बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाइड है, आप वो हैं या फिर बस डिसेंट है कि आप कुछ और भी? देखिए, ये हाईवे पे चलाने के लिए तो अच्छी है, पर जैसे मुझे ऑफ रोडिंग का थोड़ा ज़्यादा शौक है, तो मुझे लगता है मैं इसकी जगह एक्सपल्स ले सकता था, वो इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहा। एक्सपल्स तो बिल्कुल ही हटके हो गए इससे। हाँ, वो पूरी ऑफ रोडिंग बाइक है, वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं ऑफ रोडिंग ज़्यादा करता हूँ, तो उसके हिसाब से ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी नहीं है, पर ये हाईवे के लिए बेस्ट है, बस अगर आपको एवरेज से फ़र्क नहीं पड़ता तो सबसे लंबा कितना लेके गए आप इसको? मैं इसको सबसे लंबा अभी तक तो 250 किलोमीटर लगभग। तो 200-250 में क्या कंफर्टेबल है इसका सीटिंग पोस्चर? थोड़ा सीट में काम कराने की ज़रूरत है इसमें। तो इसमें कुछ ऐसा फीचर है जो अगर हम सामान वामान रखना चाहें तो सीट के अंदर ही रखा जाएगा? नहीं, कुछ सामान रखने की जगह नहीं है, जो किट आती है वो रखी जा सकती है इसमें। ओके, पहले रखी हुई है, वो कोई जगह नहीं है। ओके, तो ये कौन सा वेरियंट लिया है आपने इसका, टॉप या टॉप से एक नीचे? टॉप से नीचे है, ये मेरा डैपर वेरियंट है। तो इससे टॉप में क्या आता है? इससे टॉप में एग्जैक्ट याद तो नहीं है, शायद मीटियोर आता है। मीटियोर मेट्रो, अच्छे सब याद, रिबेल आता है, रिबेल। मेट्रो तो बेस मॉडल है, उसमें बस कलर का फर्क है, वो ड्यूअल टोन कलर में आता है, ये सिंगल टोन कलर है। मुझे सिंगल टोन ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ले लिया। 5,000 रुपये ज़्यादा महंगा था, मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगा। तो भाई कुछ ये भी बताइए, रॉयल एनफील्ड एक 3 मीटर भी देते हैं एक छोटा सा यहाँ पे, हाँ। तो वो कितने का है, वो वर्थ इट है क्या, उसमें कुछ जितने का है वो या इतना? वो मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है, वो 4 से 7 के बीच का उसका प्राइस है, 4,000 से 7,000 के बीच में, बट मुझे वो वर्थ नहीं लगता है। और लाइक वो बस एक लोकेशन इंडिकेट करता है कि आपको इतनी देर बाद मुड़ना है, इतनी देर बाद नहीं मुड़ना है, 1 किलोमीटर बाद। उससे अच्छा था आप एक 150-200 का फ़ोन होल्डर लेके, मोबाइल का माउंट लेके मोबाइल लगा लो, एक सेकेंड हैंड लेके 2,000 रुपये का, वो भी उससे सस्ता पड़ जाएगा। ओके, तो भाई और कुछ आप बताना चाहेंगे ओवरऑल कि अब तक आप इसे कितना चलाना चाहेंगे, कितना रखना चाहेंगे? और अब लिए तो रहेगी तो आखिरी सांसों तक ये। ओके, ओ माय गॉड, आखिरी सांसों तक। कुछ ज़्यादा ही बड़े वचन बोल देते हैं भाई ने। तो भाई आपको गाड़ियों में भी इंटरेस्ट है? हाँ, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, बाइक पे ज़्यादा है। चलो, गाड़ियों में भी है थोड़ा बहुत। तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे जो हंटर लेना के डिसीजन दे रहे हैं, आप उन्हें कुछ बताना चाहेंगे कि आप डिसीजन अपना चेंज कर सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि अगर आपको एवरेज से फर्क नहीं पड़ता तो आप इसे ले सकते हैं? उसी से एवरेज से फर्क पड़ता है भाई, बस मेन इसमें प्रॉब्लम ज्यादा है, वो एवरेज की ही है, बिल्कुल नहीं देती। चैन में केयर करके रखना होगा, चैन इसकी थोड़ी जल्दी रस्ट हो। भाई एवरेज की जो मैं बताऊं, जो अभिनव ने बताया बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जो मेरा भाई है वो, उसका जो दोस्त है उस पर भी हंटर ही है, लेकिन उस पर बेस वेरिएंट से ऊपर है, खैर इंजन तो सब में सेम आता है, वो चलाता है भाई 60 से ऊपर वो कभी भगाता नहीं है, उसका एवरेज देती है भाई 40, और वो कहता है अगर 60 से ऊपर वो जरा सा भी भगा ले 70-80 तो उसका एवरेज एकदम से घट जाता है 25-30 पर जाता है। तो भाई क्या ये सच है? मैंने कभी नोटिस किया नहीं, मैं 60 पर चलाता नहीं हूँ। ओके, तो बाकी भाई आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक इसमें टोटल मिलते हैं भाई, कोई किसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी भाई इस बाइक का तो खैर कोई तोड़ है ही नहीं, चाहे रॉयल एनफील्ड कितनी हो, जो खड़ी है उधर 125 cc में, वो तो भाई उसमें आप ऑफ रोडिंग कर लो कुछ ही कर लो, वो तो एकदम देसी जुगाड़ है। ये आजकल के लोंडे जो हैं अपने, पता नहीं क्या इन्हें चाहिए, बुलेट इन्हें बुलेट, हाँ वो ही मतलब बुलेट के ही ये भाई भाई हैं। तो बाकी ग्रेविटी तो इसमें बहुत है। तो मिलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये क्या है भाई, ये भी जिसके साथ मिला था? नहीं, ये मैंने अलग से खरीदा था। अच्छा, चलो ठीक है भाई।